हेलो एंड वेलकम ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे साल मैकेनिक्स, तो इसके हमने 16 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 17 पार्ट करेंगे। 17 पार्ट में आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ फील्ड डेंसिटी बाय सैंड रिप्लेसमेंट मैथड। ठीक है, तो कैसे हम फील्ड डेंसिटी को मेजर करें सैंड रिप्लेसमेंट मैथड से, वो हम देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सैंड रिप्लेसमेंट मैथड में हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले तो एक होल को डिग करते हैं, उससे जो भी सॉइल है वो रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद उसमें सॉइल फिल कर लेते हैं। तो इसका एक पूरा प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ब्रीफ बता रहा हूँ कि सॉइल को डिग किया, सॉइल का जो भी मटेरियल है वो बाहर निकाला, उसके बाद उसमें सैंड फिल की, उसको कैसे करते हैं वो सारा प्रोसीजर हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं पहले। तो इससे हम फील्ड डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सैंड रिप्लेसमेंट मैथड जो है हमारे पास इन सीटू ड्राई डेंसिटी को फाइंड करने के लिए यूज होता है, इन सीटू ड्राई डेंसिटी। ठीक है, तो फार्मूला तो हमने पहले ही देख लिया, वही फार्मूला आपको यूज होगा ड्राई डेंसिटी का। यहाँ पे इसका जो भी प्रोसीजर है, मटेरियल जो यूज करने, इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन, तो वो सारा आपको मिल जाएगा IS 2720 पार्ट 28 में सारा मिल जाएगा। इसका प्रोसीजर सारा, कुछ कौन कौन सी चीजें आपको यूज करनी है, कैसे इस टेस्ट को किया जाता है। ठीक है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो इससे हम फील्ड डेंसिटी नेचुरल सॉइल की हमारे पास हम फाइंड करते हैं, इसकी जो भी बिल्डिंग कैपेसिटी है वो हम एस्टिमेट करते हैं इससे, इस टेस्ट से। एंड इस टेस्ट को हम यूज करते हैं फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट स्टेबिलिटी एनालिसिस, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं इस मेथड को। ठीक है, एंड इन प्लेस हम डेंसिटी कंपैक्टेड सॉइल की हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिमेम्बर कर लेना है। तो नेक्स्ट हम अपरेटस की बात करें, कौन कौन सा अपरेटस इसमें यूज होने वाला है वो हम बात कर लेते हैं अपरेटस की। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में सबसे पहले तो सैंड पोरिंग सिलेंडर हम यूज करेंगे, वो मैं नीचे दिखाऊंगा आपको कौन सा सैंड पोरिंग सिलेंडर है। देन कैलिब्रेटिंग कंटेनर हम इसमें यूज करेंगे जिसका डायमीटर 100 mm डायमीटर होगा और 150 mm जिसकी हाइट होगी, वो हम यूज करेंगे। देन नेक्स्ट हम इसमें यूज करेंगे सॉइल कटिंग एंड एक्सकवेटिंग टूल, जैसे कि हमारे पास स्क्रैपर टूल्स आ गए, बेंच स्पून आ गया। ठीक है, प्लेन सरफेस हम जैसे कि ग्लास आ गए, परस्पेक्स प्लेट या फिर अदर प्लेट प्लेन सरफेस हम यूज करेंगे 450 mm जो स्केयर में रहेगी, 9 mm जिसकी थिकनेस रहेगी या फिर 9 mm से ज्यादा भी थिकनेस उसकी रह सकती है। मेटल कंटेनर हम यूज करेंगे एक्सकवेटेड सॉइल को कलेक्ट करने के लिए। देन मेटल ट्रे हम यूज करेंगे जिसकी हमारे पास डायमेंशन होंगे 300 mm स्क्वेयर एंड 40 mm जिसकी डेप्थ होगी एंड उसका जो होल होगा बीच में वो 100 mm का होल होगा, 100 mm डायमीटर का होल होगा सेंटर पे। ठीक है, और जो हम बात करें वेइंग बैलेंस हम यूज करेंगे क्योंकि वेट भी करेंगे सॉइल का। देन मॉइस्चर कंटेंट कैंस होंगे। ठीक है, देन ओवन हमारे पास होगा, डेसिकेटर हमारे पास होगा। ठीक है, इस तरीके का आपको सिलेंड्रिकल कैलिब्रेटिंग कंटेनर देखने को मिलेगा, यहाँ पे सैंड पोरिंग सिलेंडर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेटल ट्रे विद होल इन द सेंटर पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मटेरियल्स की बात करें, कौन कौन सा मटेरियल हमारे पास यूज होने वाला, मटेरियल तो हमने इक्विपमेंट की बात कर रही ली, जो मटेरियल हम यूज करेंगे मतलब जो सैंड हम यूज करेंगे तो वो 1 mm ISCU से पास करनी चाहिए और 6 mm में रिटेन करनी चाहिए, वो वाला मटेरियल हम लेंगे सफिशियंट क्वांटिटी में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे, फिर जितना रिक्वायर्ड होगा उतना हम ले लेंगे उससे। ठीक है, और उसमें कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जो भी हमने सैंड लेनी है तो वो जो सैंड है वो हमने पहले ओवन में ड्राई कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद उसको हमने क्या कर लेना है, उसको कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें डाल देना है जो भी एटमॉस्फेयर में, ताकि उसमें एटमॉस्फेयरिक मॉइस्चर जो है, ह्यूमिडिटी है जो है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसमें आ सके। ठीक है, वो हमने कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कैलिब्रेशंस, अगर हम कैलिब्रेशंस की बात करें तो कैलिब्रेशंस का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन या फिर करेक्शंस या फिर एडजस्टमेंट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम मेजर करेंगे इंटरनल डायमेंशंस, इंटरनल डायमेंशंस हम मेजर करेंगे कैलिब्रेटिंग कंटेनर के, जो भी मैंने कैलिब्रेटिंग कंटेनर पीछे दिखाया उसके हम इंटरनल डायमेंशन मेजर करेंगे। जैसे ही इंटरनल डायमेंशन हमने मेजर कर लिए, उससे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम। जैसे ही हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट होगी,
वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिल करेंगे सैंड पोरिंग सिलेंडर को सैंड के साथ, ठीक है, फिल करेंगे जो भी सैंड पोरिंग सिलेंडर है उसको हम सैंड के साथ फिल कर लेंगे। एंड उसको हम कहाँ तक फिल करेंगे, अबाउट 10 mm ऑफ इट्स टॉप, जो 10 mm टॉप से हम एक स्पेस रख देंगे, मतलब 10 mm टॉप तक फिल कर देंगे। उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे वेट फिल सिलेंडर का, जो फिल सिलेंडर का वेट है वो होगा हमारे पास M1, दैट मीन्स M1 आ गया वेट ऑफ पोरिंग सिलेंडर प्लस सैंड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी सैंड पोरिंग सिलेंडर है, सैंड पोरिंग सिलेंडर को हम वर्टिकली डालेंगे कैलिब्रेटिंग कंटेनर पे, ठीक है। वर्टिकली उसको हम कहाँ पे डालेंगे, कैलिब्रेटिंग कंटेनर पे उसको वर्टिकली हम डालेंगे और हम शटर को ओपन कर देंगे, जो भी शटर होगा उसको ओपन करेंगे ताकि जो भी सैंड पोरिंग सिलेंडर में जो भी सैंड है वो हमारे पास किस में चली जाए, वो चली जाए कैलिब्रेटिंग कंटेनर में, ठीक है। व्हेन देयर इज नो मूवमेंट, जब हमारे पास कोई भी मूवमेंट नहीं होगी सैंड सिलेंडर में, तो हम क्या करेंगे, शटर को क्लोज कर देंगे, शटर को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिफ्ट द पोरिंग सिलेंडर, जो भी पोरिंग सिलेंडर है उसको लिफ्ट कर देंगे, वहां से उठा देंगे कैलिब्रेटिंग सिलेंडर से, और उसको हम वेट करेंगे फिर सैंड पोरिंग सिलेंडर को नीरेस्ट ग्राम तक, दैट मीन्स M2 ग्राम होगा, दैट मीन्स जो हमारे पास सैंड चली गई कैलिब्रेटिंग कंटेनर में वो उसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस की बात करें तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस होती हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे मास ऑफ एक्सकवेटेड साइल, जो एक्सकवेटेड साइल, जो साइल हमने एक्सकवेट की उसका मास हम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मास निकालेंगे सिलेंडर का और उसमें सैंड फिल करेंगे, मतलब सैंड पोरिंग सिलेंडर प्लस सैंड उसका मास निकालेंगे हम। उसके बाद हम मास निकालेंगे किसका, आफ्टर पोरिंग इनटू होल एंड कोन, होल एंड कोन में हमने सैंड डाली, उसके बाद जो मास आएगा उसका वो हमारे पास होगा यहाँ पे, और जो मास होगा सैंड का होल में, ठीक है, मास होगा सैंड का होल में वो किसके बराबर होगा, M1 माइनस M4 माइनस M3, और जो वॉल्यूम होगी मास पर यूनिट मास सैंड की, और हमारे पास जो डेंसिटी है सैंड की वो होगी, ठीक है, बल्क डेंसिटी होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वाटर कंटेंट हम निकालेंगे एंड ड्राई डेंसिटी हम फार्मूले से निकाल लेंगे वहां पे, ठीक है। ड्राई डेंसिटी होती है बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 + वाटर कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लेस द सैंड पोरिंग सिलेंडर ऑन द ग्लास प्लेट, ठीक है। तो जो भी सैंड पोरिंग सिलेंडर है उसके बाद हम उसको ग्लास प्लेट पे डाल देंगे एंड फिर ओपन करेंगे हम शटर को, और उससे हम सैंड को अलाउ करेंगे कि वो पास करे एज हमारे पास जो भी ग्लास प्लेट पे पास करे। उसके बाद जैसे ही हमारे पास मोमेंट उसकी रुक जाएगी, जब हम देखेंगे कि सैंड पास नहीं कर रही है, तो हम शटर को क्लोज कर देंगे। शटर को क्लोज किया उसके बाद हमने रिमूव करनी है सैंड पोरिंग सिलेंडर, केयरफुली हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। एंड हमने जो सैंड है हमारे पास ग्लास प्लेट पे, और उसको उसका जो वेट है वो डिटरमाइन करना है, वो होगा हमारे पास M3 के बराबर, ठीक है। और रिपीट करना हमने थर्ड एंड सिक्स स्टेप जो रिपीट करना है 2 times, एंड उसका जो मीन वैल्यू होगी वो हमने रिकॉर्ड कर लेनी है, और उससे हमने डिटरमाइन कर लेनी है ड्राई डेंसिटी फ्रॉम द टेबल जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन की बात करें, फॉर ड्राई डेंसिटी के लिए जो कैलिब्रेशन हमने करनी है उसकी हम बात करें, तो यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कोन, जो कैलिब्रेटिंग कोन है उसकी वॉल्यूम हमने निकाल लेनी है, ठीक है। देन मास निकाल लेना हमने सैंड पोरिंग सिलेंडर का फिल्ड विद सैंड, ठीक है, वो आ गया M1, और M2 क्या आएगा हमारे पास, मास ऑफ सैंड पोरिंग सिलेंडर आफ्टर पोरिंग सैंड इनटू द कैलिब्रेटिंग कंटेनर प्लस कोन, देन मास ऑफ द सैंड इन कोन, ठीक है, M3 होगा। देन मास जो होगी सैंड की वो होगी हमारे पास 1 - 2 - 3, यानी 1 - 2 - 3, ठीक है, ये वाला 1, 2, 3, ठीक है, और ड्राई डेंसिटी हमारे पास यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, फार्मूले से। इसके प्रोसीजर की बात करें तो इसका क्या प्रोसीजर होने वाला है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एक्सपोज करना एरिया 450 mm स्क्वायर एरिया को एक्सपोज कर देना है, उसको अच्छे तरीके से ट्रिम कर देना, सरफेस को अच्छे तरीके से लेवल कर देना अच्छे तरीके से स्क्रैपिंग टूल से, ठीक है। उसके बाद हमने उस पर मेटल ट्रे को रख देना, जो भी मेटल ट्रे है उस पर रख लेनी है लेवल सरफेस पे, और उसके बाद हमने क्या कर लेना है, एक्सकवेट करना है साइल को, ठीक है, एक्सकवेट करना है साइल को, सेंट्रल जो होल है ट्रे में उससे एक्सकवेट कर लेना साइल को यूजिंग द होल इन द ट्रे पैटर्न, ठीक है। उसको होल को कितना एक्सकवेट करना है, कितनी डेप्थ तक, 150 mm डेप्थ तक उसको एक्सकवेट कर देना है, ठीक है। और हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है एक्सकवेटेड साइल को मेटल कंटेनर में, मेटल कंटेनर में एक्सकवेटेड साइल को हमने क्या कर लेना है, कलेक्ट करना है और डिटरमाइन करना है उसका मास जो होगा वो होगा M,
ठीक है, और जो भी हमारे पास मसल ट्रे है उसको फिर हमने रिमूव कर लेना है एक्सकवेटर होल से, एंड एक्सकवेटर होल को हमने क्या करना है, फिल करना है सैंड से, सैंड से फिल करना है एक्सकवेटर होल को, विद इन 10 mm ऑफ इट स्टॉप तक हमने उसको फिल कर लेना है, और डिटरमाइन करना है उसका मास m1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, प्लेस द सिलेंडर डायरेक्टली ओवर द एक्सकवेटर होल, जो भी सिलेंडर है एक्सकवेटर होल पे हमने डायरेक्टली उसको रख लेना है, और सैंड को अलाउ करना है कि वो उस एक्सकवेटर होल में पास करे, मतलब शटर ओपन करके उसको हमने सैंड पास करवा देनी है, उसको क्लोज कर लेना है, शटर को तब क्लोज करना है जब हमें कोई भी मूवमेंट नहीं दिखेगी सैंड की एक्सकवेटर होल में जाने की। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कर लेना है, रिमूव कर लेना है सिलेंडर को फ्रॉम द फील्ड होल से, एंड डिटरमाइन करना है उसका मास सिलेंडर का m4, वो होगा हमारे पास m4 है। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लेना है वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने ड्राई डेंसिटी फाइंड कर लेनी है, जो भी फार्मूला होगा उससे हम ड्राई डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसीजर है, पहले क्लियर कर लेनी है साइल, उसके बाद उस पर मेटल ट्रे रख लेनी है, इस सेंट्रल होल से इसको डिग कर देना, 150 mm डिग करना है, पुट करनी है एक्सकवेटर साइल को कंटेनर में, उसके बाद उसका वेट कर लेना है, फिर सैंड पोरिंग सिलेंडर हमने उस पर डाल देना और शटर को ओपन कर देना, और ताकि वो जो साइल है उसमें पास कर सके, उसमें जा सके होल में, जैसे ही साइल का आना बंद हो गया उसके बाद हम उसको रोक लेंगे, उसका वेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे मास्टर कंटेंट के लिए हम साइल ले लेंगे और उसका मास्टर कंटेंट क्या हम क्या करेंगे डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको करना क्या है, सिंपली यूट्यूब पे जाना, वहां पे लिखना है RPN शर्मा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।